Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. Dear students, as you know, in the previous class, I taught you about invitation, I mean meanings of invitation, types of invitation and features of invitation. But today, I am going to teach you about how to solve a formal invitation. I taught you there are two types of invitation, formal invitation and informal invitation. But today I am going to teach you how to solve a formal invitation. Dear students, I am very happy to know that all of you are studying sitting at home. कोई विद्यार्थी मुझसे पूछा था कि सर आपने lost and found advertisement जो है वो आपने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया. तो dear students, ध्यान देना, ये lost and found advertisement जो है ये आपको notice में पढ़ाऊंगा. Notice जो है उसमें भी lost and found पे notice लिखी जाती है. तो उसी समय आपको बताऊंगा कि इस lost and found advertisement किस प्रकार से लिखा जाता है. और रही बात डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में बच्चों उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है उसके पिक्चर का मतलब तस्वीर को बनाया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है. तो ये चीजें जो है वह क्लासरूम में जब आप आओगे तो वहां पे आपको बताऊंगा तो वह आपके लिए बेहतर होगा. इसलिए ध्यान रखना, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, आपको इस लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट को नोटिस के साथ समझाऊंगा. और जब आप क्लास में आओगे तो उस क्लासरूम में आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व है, हाउ टू सॉल्व फॉर्मल इनविटेशन. ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, सब लोग एकदम ध्यान से देखना. आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मल इनविटेशन को हल करने का सूत्र क्या होता है, किस सूत्र की सहायता से एकदम आसानी से, एकदम इजी तरीके से इस फॉर्मल इनविटेशन को सॉल्व किया जाता है. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना ताकि ये समझ सको कि इस फॉर्मल इनविटेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. ध्यान दो बच्चों, इस हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ टू सॉल्व का मतलब होता है हल करना, इन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है. फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, यानी इस औपचारिक निमंत्रण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. यस बच्चों, तो मैं इस फॉर्मल इनविटेशन को, यस ब्लैकबोर्ड पे देखो, इस फॉर्मल इनविटेशन को हल करने का सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूं. उस सूत्र को आपको याद करना होगा और उसी सूत्र में आपको जो प्रश्न दिया होगा उसी प्रश्न से विषय का नाम, डेट, मंथ है, ईयर है और टाइम, ये उठा करके उस बॉडी के अंदर उस सूत्र में भरना होगा. अपने आप वो होगा फॉर्मल इनविटेशन. यस बच्चों, तो अब आप ब्लैकबोर्ड पे ध्यान रखो. मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो फॉर्मल इनविटेशन होता है इसको हल करने का आपके सिलेबस में नहीं है. यस, बताया था आपको, आपके सिलेबस में जो है वो क्या है बच्चों, हाउ टू सॉल्व है. क्या अब यहां पे हो गया अ एक्सेप्ट है, अ एंड है, अ डिक है, अ ला इन है, अ आव है, अ फॉर्मल इनविटेशन.
ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों। हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एंड डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। कौन सा? फॉर्मल इनविटेशन, यानी इस फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट स्वीकार और डिक्लाइन को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात एकदम ध्यान से रखना कि आपके सिलेबस में फॉर्मल इनविटेशन नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस में हाउ टू सॉल्व है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, आओ का मतलब होता है कि फॉर्मल इनविटेशन, यानी औपचारिक निमंत्रण के स्वीकार और अस्वीकार को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो मैं बच्चों बताने जा रहा हूं आपको कि एक्सेप्ट और डिक्लाइन इनविटेशन को किस प्रकार से हल करते हैं, उसके हल करने का आपका सूत्र क्या होता है। लो बच्चों ब्लैकबोर्ड पे देखो, ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे मैं सूत्र लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां पे आपको लिखना होगा, जैसे मिस्टर, या तो बच्चों यहां पे मिसेज, या तो बच्चों यहां पे मिस है। ब्लैकबोर्ड पे देखना, इन तीनों में से कोई एक आएगा बेटा, ध्यान देना। सुनो इधर, मिस्टर का मतलब होता श्रीमान, मिसेज का मतलब होता श्रीमती, और मिस का मतलब होता सुश्री। ये बच्चों यहां पे तीन है, लेकिन इस तीन में से आपको लिखना केवल एक है, या तो मिस्टर या मिसेज या मिस है। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहां पे हो जाएगा द, अ नेम आवे, अ रिप लायर। द नेम का मतलब होता है नाम, अ आवे रिप्लायर का मतलब होता बच्चों जवाब देना, अर्थात जवाब देने वाले का नाम। अगर यह नाम प्रश्न में दिया होगा तो आप उसे ही लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा बच्चों तब आपको किसी न किसी का नाम है लिखना पड़ेगा। ब्लैकबोर्ड पर देखो एकदम ध्यान से, अगर ये रिप्लाई करने वाला अर्थात रिप्लायर करने वाले व्यक्ति जो है वह पुरुष होगा, चाहे वह विवाहित हो चाहे अविवाहित, उससे पहले क्या आएगा मिस्टर। अगर ये जवाब देने वाला महिला हुई और विवाहित हुई तो उससे पहले क्या आएगा मिसेस। अगर ये जवाब देने वाला अविवाहित है महिला हुई तो उससे पहले क्या आएगा मिस है। अर्थात बच्चों इन तीनों में से कोई एक आएगा, या तो मिस्टर मिसेज या मिस प्लस उस जवाब देने वाले का नाम। द नेम ऑफ रिप्लायर उत्तर देने वाले का नाम। अगर ये उत्तर देने वाले का नाम प्रश्न में है बच्चों तो उसे लिखोगे, अगर नहीं होगा तो आपको किसी न किसी का नाम लिखना पड़ेगा। यस बच्चों, अब आ जाओगे प्लस है यहां पे, अब आएगा आपका थैंक्स आएगा, या तो यहां पे आएगा थैंक है। अब ये दोनों नहीं आएंगे बच्चों, इन दोनों में से आपका कोई एक आएगा। ब्लैकबोर्ड पे सुनो, अगर ये रिप्लायर करने वाला एक वचन है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो बताओ यहां पे क्या आएगा थैंक्स आएगा। यस, अगर ये रिप्लाई करने वाला महिला हो या पुरुष हो, अगर एक वचन से बहुवचन हो गया अर्थात सिंगुलर नंबर से अगर प्लूरल नंबर हो गया, तब बच्चों यहां पे क्या आएगा थैंक आएगा। यस, क्या आप लोग इस बात को बेहतर समझ गए हो? नहीं, फिर से देखो, अगर यहां पे जवाब देने वाला चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक वचन होगा तो थैंक्स आएगा। अगर ये बहुवचन हो गया तो यहां पे क्या आएगा थैंक आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं यहां पे रिप्लाई दे रहा हूं तो ये हो गया मिस्टर रमाशंकर यादव,
अब मैं एक वचन हो गया इसलिए यहां पे क्या आएगा, थैंक्स। यस, अगर बच्चों जैसे मैं और मेरी पत्नी दोनों जवाब दे रहे हैं तो यहां पे आ गया मिस्टर है एंड है मिसेज है यादव, तो मिस्टर यादव मैं हो गया और मिसेज यादव मेरी पत्नी हो गई, दो हो गए, बहुवचन हो गया, इसलिए यहां पे थैंक्स ना करके थैंक आएगा। जैसे मिस्टर है एंड है मिसेज है यादव है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, थैंक है। यस बच्चों, अब उसके बाद फिर यहां पे आता है प्लस है, वही सेम मिस्टर या मिसेज है या यहां पे मिस है। अब याद रहे इन तीनों में से बच्चों कोई एक आएगा। यस, प्लस यहां पे हो जाएगा आपका द नेम ऑफ रिसीवर, द नेम है आव है अ री अ सीवर, रिसीवर का मतलब होता बच्चों प्राप्त करने वाले का नाम। ब्लैकबोर्ड पे देख लेना आप लोग कि अगर यह प्राप्त करने वाला एक वचन है पुरुष होगा तो ध्यान रहे इससे पहले यहां पे क्या आएगा, मिस्टर आएगा। अगर ये रिसीव करने वाला एक वचन है विवाहित है महिला हो गई तो इससे पहले यहां पे मिसेज आएगा। अगर ये रिसीव करने वाले एक वचन है महिला हो अविवाहित हो तो यहां पे इससे पहले मिस आएगा। इन तीनों में से बच्चों कोई एक आएगा, मिस्टर है मिसेज है मिस है प्लस है द नेम ऑफ रिसीवर, यानी प्राप्त करने वाले का नाम। यस, अब बच्चों ध्यान से देखना एकदम बी केयरफुल हो करके कि अगर ये रिसीव करने वाला किसी संस्था समिति या कंपनी का अगर कोई पोस्ट है, पोस्ट का मतलब होता पद है, अगर पद का नाम होगा तब ये मिस्टर है मिसेज है और मिस नहीं आएगा। अगर व्यक्ति का नाम होगा तो उससे पहले मिस्टर मिसेज मिस आएगा, अगर किसी पद का नाम होगा तो उससे पहले ये मिस्टर है मिसेज है और मिस नहीं आएगा, तब डायरेक्ट है उस पद का नाम ही आएगा। जैसे थैंक्स है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, जो भी पद होगा वह पद है डायरेक्ट आएगा, उससे पहले मिस्टर है मिसेज है और मिस नहीं आएगा। यस बच्चों, अब ब्लैकबोर्ड पे देखना, फिर इसके बाद आता बच्चों यहां पे प्लस है अफा, अब इसके बाद यहां पे हर आएगा या तो यहां पे हिज आएगा या तो यहां पे देर आएगा, इन तीनों में से कोई बच्चों एक आएगा, ध्यान रखना आप इस बात का। मैं सूत्र दे रहा हूं बच्चों, देखो अगर ये रिसीव करने वाला एक वचन है पुरुष हुआ तो इससे पहले यहां पे क्या आएगा, हिज आएगा। अगर एक वचन महिला हुई तो इससे पहले यहां पे फा के बाद क्या आएगा, हर आएगा। अब चाहे महिला हुआ चाहे पुरुष हुआ, अगर बहुवचन होगा तो इससे पहले यहां पे क्या आएगा, देयर आएगा। यस, फिर से सुनो एक बार, अगर यह प्राप्त करने वाला एक वचन है पुरुष होगा तो इस फा के बाद हर आएगा। सॉरी बेटा, अगर एक वचन पुरुष हुआ तो इस फा के बाद हिज आएगा, अगर एक वचन महिला हुई तो इस फा के बाद हर आएगा। अब ये रिसीव करने वाला चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बहुवचन होगा तो यहां पे देर आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। यस, अब आगे बढ़ते बच्चों, चार शब्द जैसे यहां पे हो गया अ काइंड है अ इन है अ वी अ टे सन है अ टू अ टेन ड। ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, काइंड है इनविटेशन अ टू अटेंड है, ये देखो चार शब्द लिखा हूं। अब उसके बाद आएगा बच्चों प्लस है द नेम ऑफ सब्जेक्ट है द नेम है अ आव है अ सब है अजेक्ट है, अर्थात उस विषय का नाम आएगा जिस विषय पे आपको आमंत्रित किया गया था और जिस विषय के लिए
आप उसका जवाब देना चाहते हो। याद रहे बेटा, घबराना मत, यह प्रश्न में दिया होता है और उसी विषय को ला करके आप यहां पे भर दोगे, यह सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों यहां पे आन आएगा, प्लस है डेट आएगा दिनांक, प्लस यहां पे मंथ आएगा, प्लस यहां पे ईयर आएगा। ये तीनों चीज बेटा आप लोग एकदम ध्यान रखना, ये तीनों चीज प्रश्न में दिया होता है। डेट क्या होगा वो दिया होगा, मंथ क्या होगा दिया होगा, ईयर क्या होगा प्रश्न में दिया रहता है। प्लस इसके बाद यहां पे एट आएगा, फिर यहां पे टाइम, इस टाइम का मतलब होता है समय, इस समय के बाद फिर यहां पे एएम आएगा या तो बच्चों यहां पे पीएम आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा वो भी प्रश्न में दिया होता है। यस बेटा, फिर से ध्यान दो एक बार, देखो यहां पे इस विषय का नाम हो गया, इस विषय के बाद यहां पे आन आएगा, फिर डेट हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, ईयर ये प्रश्न में दिया होता है। फिर इसके बाद यहां पे एट हो जाएगा, फिर आपका टाइम आ जाएगा, जो भी टाइम होगा उसके बाद या तो एम होगा या तो पीएम होगा, दोनों में से कोई एक होगा। यस, अब आगे देखो बच्चों, फिर इसके बाद यहां पे आ एट है, आ प्लस है, आ प्लेस हो जाएगा। आप घबराना मत, ध्यान से सुनो, अगर प्रश्न में उस स्थान का नाम दिया होगा तब तो आप उसे लिख देना, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग कि प्रश्न में उस स्थान का नाम दिया होगा जहां पे वो आयोजन हो रहा है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी आपका कोई गलत नहीं होगा। अब इसके बाद बेटा आप लोग ध्यान रखना कि अगर प्रश्न में ये हो गया, अब इसके बाद अगर प्रश्न में चीफ गेस्ट का मतलब मुख्य अतिथि का नाम दिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लेक्चरर है मिस्टर रमा शंकर यादव विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, इन उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंग्लिश लेक्चरर मिस्टर रमा शंकर यादव होंगे। आपके मन में आ गया कि मैं लिख दूं, तो आप इसी के आगे यहां पे लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। याद रहे इसके बाद आपका चीफ गेस्ट है यानी मुख्य अतिथि का नाम आता है। यस बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों, ये जो मैंने इतना लिखा ये तुम्हारा इस फॉर्मल इनविटेशन का चाहे एक्सेप्ट हो चाहे तो डिक्लाइन हो, लेकिन ये सबसे पहले आपको लिखना होगा। अगर एक्सेप्ट होगा प्रश्न में दिया होगा, अब जैसे एक्सेप्ट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट है, मत घबराना बच्चों, यह प्रश्न में दिया होता है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट होगा तो इसी के आगे एक सेंटेंस है मैं बताऊंगा वो लिखना होगा, अगर डिक्लाइन होगा तो एक्सेप्ट वाला नहीं लिख करके बल्कि डिक्लाइन वाले सेंटेंस को लिखना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, फॉर्मल का चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, लेकिन सबसे पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा। यस, अब इसके बाद देखो बच्चों, मान लो यहां पे आपका एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, वो इनविटेशन स्वीकार करना है, तो क्या लिखोगे, पैराग्राफ चेंज नहीं, इसी के आगे यहां पे बच्चों हो जाएगा, अगर ये रिप्लाई करने वाला एक वचन पुरुष है तो यहां पे लिखोगे ही, अगर एक वचन महिला है तो यहां पे हो जाएगा सी, अगर ये बहुवचन है तो यहां पे हो जाएगा दे, इन तीनों में से कोई एक। फिर से सुनो, आपको नहीं पता होगा, अगर ये जवाब देने वाला एक वचन पुरुष है तो ही आएगा, अगर महिला है एक वचन तो सी आएगा, अगर बहुवचन होगा तो दे आएगा। यस बच्चों, अब इसके आगे आता है यहां पे हैज आएगा या तो बेटा यहां पे हैव आएगा, अब ये दोनों नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, अगर ही और सी होगा तो हैज आएगा, अगर दे होगा तो हैव आएगा। यस, अब इसके बाद बेटा ग्रेट है, अ प्ली,
आ जा रा ग्रेट प्लीजर है, आ इन है, आ एक्सेप है, आ टिंग, आ द, आ इन है, आ वी, आ टे सन। फुल स्टॉप बच्चों, इसके आगे ये आ जाएगा, आप लोग घबराना मत। ग्रेट है, प्लीजर, इन है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इसी को बच्चों आपको बॉक्स बना करके लिखना पड़ेगा। यस, ध्यान दो। अगर बच्चों मान लो ये एक्सेप्ट न हो करके बल्कि आपका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। इस डिक्लाइन का मतलब क्या होता, अस्वीकार करना। अगर अस्वीकार करना होगा तो क्या आएगा, तब ये नहीं आएगा, तब उसी के आगे आप लाइन नहीं चेंज करोगे, उसी के आगे आपको लिखना होगा बट है, अ री, अ ग्रेट, बट रिग्रेट है, अ फार, नॉट है, अ बी इंग है, अ ए बल है, अ टो, अ टेंड है, अ इट है, बट है, रिग्रेट, फार, नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट। यहां पे कामा करना बच्चों, डिव है, डिव टू सम है, अ अन है, अ वा, यह डे बल है, अ रीजन, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। अब उसके बाद हो जाएगा बच्चों, अ सिन, अ सीयर है, अ थैंक्स है, थैंक्स है, फादर, अ इन है, अ वी, अ टेसन, अ एंड है, अ बेस्ट है, अ वी, अ सेज। फुल स्टॉप बच्चों। अब अगर आपका डिक्लाइन होगा तब बच्चों आपकी ये लाइन उसके बाद है, आ जाएगी। यस, फिर से ध्यान दो बच्चों, अगर डिक्लाइन होगा तब इसके नीचे ये आएगा, अगर एक्सेप्ट होगा तब ये डिक्लाइन ना करके इसके बाद आपकी ये सेंटेंस है, आ आएगा। फिर से देखना बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूं। यही सूत्र है, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आपको इस फॉर्मल इनविटेशन का चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो एकदम इजी है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। बोर्ड में चार नंबर का आता है और आपको चार मिनट भी सॉल्व करने में नहीं लगेगा, अगर बच्चों ये सूत्र आपको याद है। आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे सबसे पहले आपको क्या देना है, मिस्टर है, मिसेज है या मिस, इन तीनों में से कोई एक, अगर एक व्यक्ति होगा, एक से अधिक हो गए तो इनमें से कोई दो भी आ सकता है। फिर यहां पे हो गया द नेम ऑफ रिप्लायर, जवाब देने वाले का नाम, अगर ये जवाब देने वाला एक बचन पुरुष होगा तो क्या आएगा, मिस्टर। अगर ये एक बचन महिला विवाहित होगी तो क्या आएगा, मिसेस। अगर अविवाहित होगी तो क्या आएगा, मिस। इन तीनों में से कोई एक, यस। अब बच्चों अगर ये जवाब देने वाले का नाम प्रश्न में दिया है तो आप उसे लिखोगे, अगर नहीं होगा तो आपको कोई ना कोई नाम है अवश्य लिखना पड़ेगा। फिर आता बच्चों यहां पे थैंक्स आएगा या थैंक आएगा, मैं बताया हूं इन दोनों में से कोई एक। अगर यहां पे जवाब देने वाला चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, अगर सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है, सिंगो अलर है, अ नंबर, यानी सिंगुलर नंबर का मतलब होता एक बचन होगा, अगर एक बचन होगा तो थैंक्स आएगा। अगर बच्चों यहां पे अ प्लूरल है, अ नंबर, यानी प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन होगा तो यहां पे थैंक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर उसके बाद यहां पे मिस्टर है, मिसेज है या मिस। अब यहां पे द नेम ऑफ रिसीवर, यानी प्राप्त करने वाले का नाम, अगर यह प्राप्त करने वाला एक बचन पुरुष होगा तो मिस्टर आएगा, अगर विवाहित महिला है तो मिसेज आएगा, अगर अविवाहित है तो मिस आएगा, इन तीनों में से कोई एक। लेकिन बच्चों एकदम बेहतर तैयार करके रखना, क्या कि अगर ये रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति न होकर के किसी कंपनी, संस्था या समिति का
समिति के पद का नाम होगा, तब उससे पहले यह मिस्टर है, मिसेज है या मिस नहीं आएगा, तब डायरेक्ट उस पद का नाम आएगा। फिर इसके बाद यहां पे हो जाएगा फा। अब तीन, या तो हर आएगा, या तो हिज आएगा, या तो देर आएगा। याद रहे, अगर ये रिसीव करने वाला एक वचन है, पुरुष होगा तो हिज आएगा, अगर एक वचन महिला होगी तो हर आएगा। अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बहुवचन होगा तो देर आएगा। यस बच्चों, अब चार सब काइंड है, इनविटेशन, ऑटो, अटेंड है। यस बच्चों, अब उसके बाद आएगा प्लस है, द नेम ऑफ सब्जेक्ट है, उस विषय का नाम। डियर स्टूडेंट्स है, आप घबराना मत, यह विषय का नाम प्रश्न में दिया होता है। फिर यहां पे आन, प्रश्न में दिया होगा। डेट है, प्रश्न में दिया होगा। मंथ है, प्रश्न में दिया होगा। ईयर है, प्रश्न में दिया होगा। एक्ट है, प्रश्न में दिया होगा। टाइम, प्रश्न में दिया होगा। ए या पीएम, एम या पीएम, इन दोनों में से कोई एक होगा और यह भी आपको प्रश्न में दिया होगा। अब उसके बाद एट है, प्लेस है। अगर यह प्रश्न में दिया है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसी के बाद मान लो प्रश्न में आपके चीफ गेस्ट का मतलब मुख्य अतिथि का नाम दिया है, उसे लिखना चाहते हो तो इसी के आगे लिख सकते हो, द डायरेक्टर ऑफ मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी बाड़मेर मिस्टर ठाकुर राम जी विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप लोग आगे आ जाओगे, अगर वो आपका एक्सेप्ट होगा या तो वो आपका डिक्लाइन होगा, ध्यान देकर के प्रश्न को देखना। अब चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, ये ऊपर का सूत्र तो आएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट होगा तब इसी के आगे पैराग्राफ चेंज नहीं, उसी के आगे आपको लिखना होगा। अगर रिप्लाई करने वाला पुरुष होगा तो ही आएगा, महिला होगी तो सी आएगा, बहुवचन होगा तो दे आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। फिर यहां पे हैज आएगा या हैव आएगा, अगर ही और सी होगा तो हैज आएगा, अगर दे होगा तो हैव आएगा। यस बच्चों, फिर ग्रेट है, प्लीजर है, इन है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी उसे इस आमंत्रण को स्वीकार करके यानी प्राप्त करके बहुत अधिक खुशी हो रही है। यस बच्चों, अर्थात उसने क्या किया, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार किया। अगर बच्चों डिक्लाइन होगा तो आपका ये खंड नहीं आएगा, तब ये आएगा बट है। रिग्रेट का मतलब खेद है। फार, नॉट बीइंग एबल का मतलब योग्य होना, टू अटेंड ई, अर्थात मैं आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा, उसके लिए मुझे दुख है या खेद है या अफसोस है। तो जाहिर सी बात बेटा ये क्या कर रहा, डिक्लाइन कर रहा है। ड्यू टू का मतलब के वजह से, सम का मतलब होता कुछ है, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब ऐसा कारण, ऐसा चीज जिसको न टाला जा सके। अनअवॉइडेबल रीजन का मतलब होता कारण, एक न टाला जाने वाले कारण की वजह से मैं आपके उस कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। अब इसने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया। सिंसियर का मतलब बच्चों रिप्लाई करने वाला, थैंक्स का मतलब होता धन्यवाद देता है, फार्द है। इनविटेशन का मतलब आमंत्रण है, यानी आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एंड बेस्ट विशेस, और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यस बच्चों, ये आपका है डिक्लाइन का, और ये आपका है एक्सेप्ट, और चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, ये ऊपर का सेम टू सेम लिखना पड़ता है। ये सूत्र है बच्चों, ये आप सभी लोग इस सूत्र को एक दो बार पढ़ करके समझ जाना,
अब इसी सूत्र पे प्रश्न होगा, उसी प्रश्न से विषय का नाम, डेट, मंथ, ईयर, टाइम है, ये सब निकाल करके मैं इसी में भरूंगा, ये अपने आप बनेगा उस प्रश्न का उत्तर। एकदम इजी, एकदम सिंपल, यानी आप सोच नहीं सकते कि किस प्रकार से यह कितना इजी और कितने आसानी से यह प्रश्न हल हो सकता है इस सूत्र के ऊपर रखने पर। यस बच्चों, इसलिए आप कष्ट करके इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना, ताकि आप समझ सको कि इस फार्मल इन्वेस्टेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को किस प्रकार से एकदम इजी से इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यस बच्चों, आइए ब्लैक बोर्ड पे अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें बोर्ड पे प्रश्न कैसे आता है और उस प्रश्न को इसी सूत्र पे रख करके किस प्रकार से हल किया जाएगा। आओ देखो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान देना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड में इस पे प्रश्न कैसे आएगा। देखिए, जैसे यहां पे आपको प्रश्न आ गया कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आवर मदर टेरेसा नॉबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रामनगर बाड़मेर विच इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 10th मार्च 2020 एट 10:30 AM English lecturer Mr. Ramashankar Yadav will be the chief guest of the फंक्शन राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द, या यहां पे लिखना बच्चों इन एक्सेप्टिंग द
इनविटेशन। यस बच्चों, इस तरीके से बोर्ड में आप लोगों को प्रश्न दे देगा और इसी प्रश्न को आपको पढ़ करके इसका उत्तर हल करना है। ये जितना बड़ा बच्चों ये आपको प्रश्न दिख रहा है, जब मैं उत्तर हल करूंगा तो इस प्रश्न से भी छोटा उत्तर होगा। यानी अगर बच्चों आपको आ रहा है तो इस प्रश्न को हल करने में 4 मिनट भी समय नहीं लगता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले ध्यान से इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पढ़ो। ये करा यू हैव रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी आपने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया? आपने। इन का मतलब होता है एक, इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, लेटर का मतलब होता पत्र है, यानी आपने एक निमंत्रण पत्र को प्राप्त किया है। यस प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना जो प्राप्त करेगा वही रिप्लाई देता है। तो प्राप्त तो आप कर रहे हो, इसलिए रिप्लाई कौन करेगा? आप करेगा। क्या इसमें आपका नाम दिया? नहीं। तो आपको कोई न कोई नाम अपने मन से, अर्थात कोई न कोई नाम अवश्य लिखना पड़ेगा। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब आपको आमंत्रित किसने किया था? द प्रिंसिपल एंड स्टाव है, आव है, मदर टेरेसा नॉबल्स है, एकेडमी सीनियर है, सेकेंडरी स्कूल है, रामनगर है, बाड़मेर। यानी मदर टेरेसा नॉबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़मेर के इस प्रिंसिपल और स्टाफ ने आपको आमंत्रित किया है। तो अब बच्चों रिप्लाई तो आप करोगे, लेकिन रिसीव कौन करेगा? द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ मदर टेरेसा नॉबल्स एकेडमी रामनगर बाड़मेर। यस, तो अब याद रहे कि यहां पे व्यक्ति का नाम नहीं रिसीव करने वाला, संस्था समिति और कंपनी के पद का नाम हो गया, अर्थात किसी संस्था के पद का नाम हो गया। तो इससे पहले मिस्टर मिसेज और मिस नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको लिखना होगा द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ मदर टेरेसा नॉबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़मेर। यस, विच का मतलब होता जो, इज गोइंग का मतलब होता जा रहे हैं, टू सेलिब्रेट का मतलब मनाने के लिए, इट्स का मतलब होता अपने। ये लो बेटा, आपको दे दिया यहां पे एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव, विषय का नाम मिल गया आपको, इसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। देखो आन आ गया, डेट आ गया, मंथ आ गया, फिर यहां पे ईयर आ गया, एट आ गया, टाइम आ गया, एम आ गया। इन सभी की एक एक करके आपको हल करते समय आवश्यकता या जरूरत आप पड़ती है। यस बच्चों, अब देखो करा इंग्लिश लेक्चरर अंग्रेजी व्याख्याता मिस्टर है, रमा शंकर यादव, विल बी का मतलब होता होंगे, द चीफ गेस्ट का मतलब मुख्य अतिथि, ऑफ द फंक्शन, इन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है अंग्रेजी व्याख्याता मिस्टर है रमा शंकर यादव होंगे। अगर बच्चों इस चीफ गेस्ट को आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अंत में प्यारे विद्यार्थियों जरूर पढ़ना, अंत में ही पता चलेगा कि यह फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। अगर यह फॉर्मल है तो उसका एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है, यह अंत में ही पता चलता है। राइट का मतलब होता लिखो, आपका मतलब होता एक फॉर्मल, देखो मिल गया यहां पे फॉर्मल इंडिशन है। रिप्लाई का मतलब जवाब देना है, इन है। एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करने के लिए, द इनविटेशन का मतलब आमंत्रण है। इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपको पत्र है या जवाब है देना है। तो अब प्यारे विद्यार्थियों आपको इस बात का पता चल गया कि आपको हल कौन सा करना है, फॉर्मल। अब इस फॉर्मल में रिप्लाई, अब वो रिप्लाई दो एक्सेप्ट और डिक्लाइन, तो देखो यहां पे क्या आ गया, एक्सेप्ट। यस, देखो यहां पे जवाब देने वाले का नाम नहीं लिखा बच्चों, इसलिए आपको अपने मन से। यस,
फिर यहाँ पे रिसीव करने वाला द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़मेर। अब बच्चों भी से यहाँ पे एनुअल फंक्शन डेट मंथ है, ईयर है, एट है, टाइम एम, चीफ गेस्ट का नाम, बाकी सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से बॉक्स बना करके इसको हल है आ कर दिया जाएगा। आओ बच्चों देखो ध्यान से, यस बच्चों ब्लैकबोर्ड पे देखो ध्यान से। अब देखो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, मिस्टर, मिसेज या मिस, इन तीनों में से कोई एक, रिप्लाई करने वाले का नाम। क्या बच्चों प्रश्न में दिया था? नहीं, तो हमको लिखना है कोई ना कोई नाम। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आपका मिस्टर राहुल है, सर है अम्मा। अब देखो ये राहुल शर्मा एक वचन है, तो यहां पे थैंक आएगा कि थैंक्स, आप जानते हो यहां पे क्या आएगा, अ थैंक्स। यस बच्चों, तो देखो मिस्टर हो गया, अ प्लस है जवाब देने वाले का नाम। अब उसके बाद फिर आएगा मिस्टर, मिसेज या मिस, रिसीव करने वाले का नाम। यहां पे संस्था, समिति, संस्था के पद का नाम है, तो मिस्टर मिसेज मिस नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे यहां पे, द अ प्रिंसी अपल एंड अ इस टॉव अ आव मदर अ टेरेसा मदर टेरेसा नोबल्स अ एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामा राम नगर कामा बाड़मेर। यस बच्चों ये देखो हो गया यहां पे उस पद का नाम, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़मेर। अब उसके बाद आता है बच्चों फा प्लस हिज, हर या देयर, इन तीनों में से कोई एक। तो लो बच्चों ब्लैकबोर्ड पे देखो यहां पे हो गया फा। अब आप सोचिए कि हिज आएगा, हर आएगा कि देयर आएगा। मैं समझता हूं आप बेहतर बता सकते हो। देखो यहां पे प्रिंसिपल हो गया और स्टाफ हो गया, एक से अधिक हो गए तो यहां पे बहुवचन हो गया, इसलिए यहां पे क्या आएगा, अ दे ईयर आएगा। यस, अब चार शब्द बच्चों यहां पे हो गया, काइंड है, अ इन है, अ वी, अ टेसन, अ टो, अ टेंड। यस, अब प्लस उसके बाद उस विषय का नाम, तो जैसे यहां पे हो गया अ ए नो वल है, अ फंग अक्सना। अब बच्चों आगे आन है, प्रश्न में दिया था टेंथ है, अ मार्च है, 2020 है, एट है, 10:30 अ ए एम। यस बच्चों, अब इसके बाद आपका प्लेस दिया नहीं था, मत लिखना। चीफ गेस्ट का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहां पे, जैसे इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश है अ लेक्चरर, मिस्टर है रामा शंकर है, अ यादव है, विल बी द चीफ है,
गेस्ट आवे द अ फंक्शन। यस बच्चों, ये हो गया आपका। अब मैंने आपको बताया था कि चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, इतना तो सबसे पहले लिखना होगा। अभी एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है, आप प्रश्न को पढ़े थे तो आपको क्लियर है, बताइए कौन सा है। तो जाहिर है ये एक्सेप्ट है। तो देखो यहां पे रिप्लाई करने वाला एक वचन है तो ही आएगा, सी आएगा कि दे आएगा, बेहतर जानते हो आप लोग, यहां पे क्या आएगा, ही आएगा। अब हो जाएगा ही हैज अ ग्रेट अ प्ली अ जर अ इन अ एक्सेप्टिंग द इन अ वी अटेंशन। यस बच्चों, हो गया आपका उत्तर। इसी को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग क्या करना, बॉक्स बना करके इसको क्लोज कर देना। यस बच्चों, ये हो गया आपका उत्तर है। अब बताइए, अगर ये सूत्र याद है तो आपको चार मिनट भी इसको हल करने में नहीं लगेगा। बोर्ड आपको इस पे कितने नंबर देता है, चार। यानी जितना बड़ा प्रश्न होता है उससे छोटा आपका क्या होता है, उत्तर। फिर से देख लेना बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या आना था, मिस्टर, मैसेज या मिस है। तो देखो मैंने यहां पे मिस्टर दे दिया। फिर द नेम ऑफ रिप्लायर, उस जवाब देने वाले का नाम प्रश्न में दिया नहीं था इसलिए मैंने किसी का नाम जोड़ दिया, जैसे राहुल शर्मा। फिर उसके बाद क्या आना था, थैंक या थैंक्स है। तो देखो मैंने यहां पर एक वचन था इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, थैंक्स। फिर आना था मिस्टर, मिसेज, मिस, इन तीनों में से कोई एक, लेकिन एक भी नहीं आएगा। पूछो तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे पद का नाम है, जैसे द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, ये पद हो गया इसलिए इससे पहले मिस्टर, मिसेज या मिस नहीं आएगा। तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ मदर टेरेसा नॉबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़ में। अब उसके बाद बच्चों यहां पे क्या आएगा, फा आएगा। इसके बाद तीन चीज बताया था, या तो हिज आएगा, या तो हर आएगा, या तो देयर। तो देखो यहां पे एक प्रिंसिपल हो गया और स्टाफ हो गई, अर्थात यह अ प्लूरल है, अ नंबर, यानी प्लूरल नंबर हो गया इसलिए यहां पे बताइए क्या आएगा, देयर आएगा। फिर चार शब्द बच्चों, काइंड है, इनविटेशन टू अटेंड। यस, अब प्रश्न में दिया था विषय का नाम, देखो यहां पे हो गया एनुअल फंक्शन। अब उसके बाद आन आ गया, डेट बच्चों प्रश्न में दिया था, मंथ प्रश्न में दिया था, ईयर प्रश्न में दिया था, एट प्रश्न में दिया था, टाइम एएम प्रश्न में दिया था। अब यहां पे चीफ गेस्ट का नाम प्रश्न में दिया था इसलिए देखो यहां पे लिख दिया गया इंग्लिश लेक्चरर मिस्टर रमाशंकर यादव विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। अब यह आपका एक्सेप्ट है, यहां पे यह आपका सिंगुलर, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन है और उसके साथ साथ यह मिल का मतलब पुरुष है इसलिए यहां पे क्या आया, ही। अब हैज है, ग्रेट है, प्लीजर इन है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, अर्थात इस राहुल शर्मा को इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए बेहद खुशी हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों हम इस फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को हल करते हैं। आज मैंने आपको एक्सेप्ट का बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये डिक्लाइन होता तो यहां पे ये सेंटेंस नहीं आता, तब मैंने आप लोगों को जो सूत्र में लिखाया था इसी जगह आगे कामा करके बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग, जो मैंने आपको सूत्र में लिखाया है इसके स्थान पे वो आ जाता। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्मल इनविटेशन के डिक्लाइन को सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया कि हाउ टू सॉल्व एक्सेप्ट आवर ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, इस फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर आ गया होगा।
आप इसी तरीके से कमेंट किया करो ताकि मुझे भी ये आशा मिल सके कि नहीं आप, मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, अर्थात आप घर बैठ करके इस चीज को आप पढ़ रहे हो। आज के लिए इतना पर्याप्त है।